नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक टैंकर 8 लोगों के लिए काल बनकर आया और कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस किसी ने भी इस हादसे को देखा उसके मुंह से बस यही निकला, हे राम ये क्या किया। जानकारी के अनुसार दूदू के पास रामनगर में एक चलती कार के पास पहुंचे टैंकर का अचानक टायर फट गया और वह कार पर पलट गया। हादसा बड़ा दर्दनाक था, कार पूरी तरह से टैंकर के नीचे आकर पिचक गई। देखकर महसूस हो गया था कि इसमें कोई नहीं बचने वाला। हादसे में फागी के जुम्मा मस्जिद के पास रहने वाले हनीफ के परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में हनीफ की पत्नी 50 वर्षीय हसीना, 30 वर्षीय बेटा इसराइल और 13 वर्षीय मुराद, 27 वर्षीय बहू फरजाना पत्नी इसराइल, 8 वर्षीय पोती रोहिना, 3 वर्षीय पोता सिरान दामाद शकील और रिश्ते में रहने वाला 14 वर्षीय सोनू शामिल है। वही इसराइल के बेटे अरमान की हालत गंभीर है। 12 में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के 4 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक घांसीलाल वर्मा ने बताया कि 3 जुलाई 2019 को 12 के मोटपुर पुलिस थाने में 16 वर्षीय पीड़िता ने अपने पिता के साथ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 3 जुलाई की रात वह कमरे में सो रही थी। इस दौरान गिराज बंजारा निवासी नरसिंहपुरा आया और उसका मुंह बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने करीब 1 साल पहले भी उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था और रेप किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोटा एसीबी की टीम ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़ में पोस्टेड एक अधिकारी की कार से 2,16,350 रुपए की नकदी बरामद की है। संभावना जताई जा रही है कि ये रकम अफीम काश्तकारों से अवैध तरीके से वसूली गई थी। एसीबी की टीम फिलहाल अधिकारी से रकम के बारे में पूछताछ में जुटी है। 48 वर्षीय अरुण कुमार मूल रूप से त्रिमूर्ति नगर जखड़ी महादेव के पास दानापुर कैंट पटना हाल क्वार्टर नंबर 18 नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा के रहने वाले हैं और कराले जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम चित्तौड़गढ़ में निरीक्षक के पद पर पोस्टेड है। एडिशनल SP विजय स्वर्णकार ने बताया कि अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। अधिकारी के चित्तौड़ से कोटा आने की सूचना पर ACB ने थनेश्वर टोल नाके पर अधिकारी के शिफ्ट डिजायर गाड़ी को रुकवाया, कार की तलाशी ली तो नकदी मिली। फिलहाल कार्रवाई जारी है। अजमेर में 23 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवक अश्लील वीडियो के माध्यम से पीड़िता को ब्लैकमेल कर पाली ले गया और होटल में ले जाकर रेप किया। पीड़िता द्वारा गाजियाबाद के युवक पर आरोप लगाते हुए गंज थाने में शिकायत दी गई है। 23 वर्षीय युवती ने दी शिकायत में बताया कि पिछले 5 महीनों से वह अजमेर में अपने भाई के घर रह रही है और पार्लर का काम सीख रही है। 14 फरवरी 2023 को गाजियाबाद के रहने वाले युवक उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे टेम्पो में बैठाकर दरगाह क्षेत्र में ले गया, जबरदस्ती ट्रेन में बैठाकर पाली के होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया, दूसरे दिन अजमेर लेकर आ गया। पीड़िता ने बताया कि जब वह गाजियाबाद में रहती थी इस दौरान युवक के द्वारा पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उस दौरान उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी जिसके माध्यम से उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया गया। जयपुर के SMS स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का 3रा मैच होना है, लेकिन इस 3रे मैच से पहले एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST विभाग ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 22 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद RCA द्वारा किए गए लेन देन की गहनता से जांच की जा रही है। दरअसल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की गड़बड़ी की शिकायत CGST विभाग को मिली थी। इस पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST की टीम ने 22 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े को लेकर नोटिस दिया, जिसके कुछ ही देर बाद आनन फानन में RCA की ओर से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग में 10 करोड़ रुपए जमा भी करवा दिए गए। वही CGST टीम फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। अजमेर जिले में एक शादी में कुत्ते से बेरहमी का वीडियो सामने आया है। 3 युवक अपने ही पालतू कुत्ते को पहले DJ पर डांस करवाते हैं और इसके बाद इसकी टांग पकड़ इसके साथ बेरहमी पर उतर आते हैं। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के नोलखा गांव का है। वीडियो अप्रैल का बताया जा रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 4 मई 2023 को सोशल मीडिया पर ये वीडियो मिला था। इसमें तीन युवक शादी में डीजे पर एक कुत्ते को जबरदस्ती नचा रहे थे। इसकी जांच कर 23 वर्षीय शेर सिंह, 25 वर्षीय फूल सिंह तथा 30 वर्षीय राम सिंह नौलखा गांव निवासी को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में फिल्मी स्टाइल में एक युवक का बदमाशों ने किडनैप कर लिया। व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मालपुरा गेर थाना पुलिस ने अपहर्त को मुक्त करवाकर 3 किडनैपर्स को अरेस्ट किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ देकर किडनैप कर फिरौती की प्लानिंग बनाई गई थी। मामले में फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। DCP ज्ञानचंद यादव ने बताया कि किडनैपिंग के मामले में आरोपी 28 वर्षीय राकेश गिरी निवासी बिलवा शिवदासपुरा, 23 वर्षीय कमलेश उर्फ कमल निवासी निवाई टोंक और 21 वर्षीय त्रिलोक जांगिड़ निवासी सांगानेर को अरेस्ट किया है। मामले में फरार आरोपी वीरेंद्र गुजर, शिवपाल उर्फ शिवपाल गुजर, गौरव पंजाबी और सागर की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने शताब्दी नगर सांगानेर निवासी पुष्पेंद्र मीना को किडनैप कर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सवाईमाधोपुर में भाजपा के जनाक्रोश महाघेराव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कलेक्ट्रेट के अंदर जाने के दौरान पुलिस और नेताओं के बीच झड़प तक हो गई। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कलेक्टर सुरेश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। राठौड़ ने कलेक्टर सुरेश कुमार को फटकार लगाते हुए सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदेश भर में जनाक्रोश महाघेराव चल रहा है। इस कड़ी में सवाईमाधोपुर भी प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पहुंचे थे। दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कलेक्ट्रेट के अंदर जाने के दौरान पुलिस ने रोका, तब नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसी दौरान राठौर कलेक्टर पर भड़क गए। ज्ञापन देने जाने से रोकने पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आग बबूला हो गए। भरतपुर की पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की लड़की से रेप के 62 वर्षीय दोषी को 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने नाबालिग से रेप कर उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था, इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। घटना 26 अगस्त 2019 की है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के पिता की आरोपी हितेंद्र भारद्वाज के घर के पास चाय की दुकान थी। नाबालिग पिता को खाना देने के लिए दुकान पर आया करती थी। 26 अगस्त 2019 को जब नाबालिग अपने पिता को खाना देने पहुंची तो पड़ोस में रहने वाले हितेंद्र ने उसे अपने घर बुलाया और जबरदस्ती रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर हितेंद्र ने नाबालिग से कई बार रेप किया। कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता की चचेरी बहन को अश्लील वीडियो भेजकर कहा कि तेरी चचेरी बहन के साथ मैंने रेप किया है, उसका यह वीडियो है, इसलिए तू भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, नहीं तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। हनुमानगढ़ की सदर थाना पुलिस ने किसान से 1 लाख नकदी, मोबाइल और जरूरी कागजात लूटने के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात के कुछ समय बाद ही बदमाश को हिरासत में ले लिया था, लेकिन दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए। सदर पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से लूटे गए 50,000 रुपए और कारतूस सहित पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस ने बदमाश दीपक उर्फ भोला को बापर्दा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि 40 वर्षीय हनुमान भातू निवासी गांव पक्का भादवान से 3 बाइक सवार बदमाशों ने पक्का भादवान चौराहे से 1 किलोमीटर पहले रोका और मारपीट कर मुंह पर पिस्तौल की बट मारकर जेब में रखे 1,01,500 रुपए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पुराना मोबाइल फोन छीनकर ले गए थे। बीकानेर के छत्रगढ़ थाना एरिया में एक युवक से करीब 3 लाख रुपए की लूट हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद जगह जगह दबिश दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित युवक एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है और उसी का कलेक्शन करके लौट रहा था। हनुमानगढ़ के संगरिया निवासी संजीव जाखड़ बीकानेर में भारत फाइनेंस इंक्यूजनल लिमिटेड कंपनी में फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करता है। वो कैला से राजासर से किश्तों का कलेक्शन करके लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में 2 अज्ञात युवकों ने जबरन रास्ते में रोककर 3 लाख रुपए लूट लिए। घटना राजासर भाटियान से लूणकरनसर की तरफ 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।